बताओ कि पेंसिल्स कितने तरीके की होती है। आप लोगों ने एक वाइल्ड गेस, जस्ट अ वाइल्ड, राउंड राउंड ऑक्टागन एंड ट्राइंगल, इतनी तो मुझे पता है, बाकी नहीं पता। हेक्सागन भी हेक्सागन होती है बेसिकली, इट इज नॉट ऑक्टागन। आठ नहीं होते, छह होते हैं, ठीक है। मेनली ये तीन टाइप की ही होती हैं। ओके, दिस इज द राउंड पेंसिल, इफ यू कैन सी हियर, देख पा रहे हो, एग्जैक्टली राउंड है। सुभाष जी, यस, नहीं वो मतलब मैं इसलिए पता देख रही हूँ कि आप लोग देख पा रहे हो या नहीं देख पा रहे हो। जी मैम, ये है ट्राइंगल पेंसिल, देखिए। जी दिख रही है तीन, ये देखो ऐसे दिखे, दिख रही है। जी मैम, ये है सिक्स साइड, है ना। ये तो कॉमन पेंसिल है, तो सबके पास इन जनरल होती है। जी जी भाई, एक बार मैं राउंड फिर दिखा देती हूँ, ये देखिए, दिस इज अ राउंड पेंसिल। अच्छा, अब आप मुझे बताइए, आपके जो पेंस होते हैं वो किस किस शेप के होते हैं? राउंड लेते हैं मैम, राउंड, और एक आता है वो आपका नटराज जो सिक्स साइडेड होता है, रेड वाले नहीं आते आजकल जो बहुत चल रहे, उसमें आगे तो राउंड ही होता है। हाँ, नहीं वो राउंड होता है, बट मैं ग्रिप की बात कर रही हूँ। See, we are talking about कि कौन सा पेन या पेंसिल हमारे लिए। हाँ ये देखिए, इनके हाथ में है, तो ये मैम है ना। हाँ यही वाले, यही वाले, ठीक है ना, ऐसे होते हैं। I'm just talking about the shape of the pencil या pen। अब आप मुझे ये बताइए, अगर आपने बच्चे को कुछ ट्राइंगल पेंसिल पकड़ा दी लिखने के लिए, उसका हाथ उसके ऊपर सेट हो गया, लेकिन जब पेन की बारी आई तो ट्राइंगल पेन मिला ही नहीं, तो क्या बच्चे को डिफिकल्टी नहीं होगी लिखने में? सिंपल लॉजिक। इन जनरल जब हम आगे का सोचते हैं तो क्या होता है, जनरली बच्चों को या तो आपको हेक्सागनल पेंसिल या फिर राउंड पेंसिल ही यूज करनी चाहिए। ओके, तो ये एक पॉइंट आप नोट कर लीजिए, ऑलवेज यूज राउंड और हेक्सागनल पेंसिल, नो ट्राइंगल पेंसिल्स। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, पहले बच्चों की पेंसिल्स के बारे में बात करेंगे, इवन हम लोग भी जो यूज करते हैं ना, कभी कभी ड्राइंग में भी कर रहे हैं, ड्राइंग में तो वी कैन यूज इट, बट इन जनरल, ठीक है। फिर एक ये नई चीज आई है आजकल, पेन पेंसिल, यू नो। जी जी मैम, नुक बाहर निकल रही है, आपने यूज करा एंड है ना, कायदे से तो वो भी यूज नहीं करनी चाहिए। अब पूछिए क्यों, देखिए क्या होता है, ये हम बच्चों को दे देते हैं, जनरली हम देते हैं ना, शेडिंग कर लो, वो कर लो, पेन पेंसिल्स बच्चे बहुत यूज करते हैं। जब हम बच्चे को पेंसिल हाथ में पकड़ाते हैं तब उसका जो फॉर्मेशन होता है लेटर का, सेकेंडली हाथ का जो प्रेशर पे पेंसिल पर, मतलब जो हम लिखते हैं उस पर पड़ता है, मैंने आप लोगों को बोला ना कि बैक साइड पे देखिए कितना प्रेशर आ रहा है आपके, इसमें उससे भी एनालिसिस होता है, राइट। अब क्या होता है, जब पेन जो पेंसिल्स होती है पेन पेंसिल्स वाली, उससे क्या होता है, डर रहता है कि भैया टूट नहीं जाए, तो बच्चे क्या करते हैं, हाथ पे कम जोर देते हैं, इस पार्ट पर ज्यादा जोर देते हैं। आप खुद भी पकड़ के देख लो कि अगर आप चाहते हो कि आपकी इसकी जो निब होती है, जो नुक होती है पेंसिल की, वो नहीं टूटे, तो आप सारा जोर यहाँ देते हो अपने फोर आर्म्स पर, पतली होती है ना बहुत, है ना, डर रहता है। और जिस वक्त हम बच्चे को पेंसिल पकड़ा रहे हैं तो उस वक्त उसको फ्रीली पेंसिल देनी चाहिए, उसका ग्रिप होना है, उस वक्त उसका ग्रिप फॉर्मेशन हो रहा है, उसका प्रेशर बन रहा है, उसका दिमाग सेट हो रहा है, उसके थॉट प्रोसेस उस पे आने हैं, लेकिन उसका थॉट प्रोसेस क्या है कि नहीं भैया हल्के से लिखना है, बाकी सब चीजें छूट जाती है, दिमाग कहाँ रहता है कि भैया हल्के से करना है नहीं तो निब टूट जाएगी, राइट। तो बच्चों के लिए स्पेशली मैं यहाँ से इसलिए शुरू कर रही हूँ क्योंकि हम पेंसिल्स पे आ रहे हैं। सेकेंडली, हम लोग भी करते हैं, हम लोगों ने बहुत किया है बचपन में, जब हम छोटे थे पेंसिल्स
शार्प कर करके इतनी इतनी सी हो जाती थी, इतनी इतनी सी, है ना, फिर भी हम उसको यूज करते रहते थे। तो प्लीज आगे से बच्चों को इतनी इतनी सी पेंसिल्स देना बंद कर दें, उनकी राइटिंग खराब होती है। वो पेंसिल्स आप शेडिंग या ड्रॉइंग उसके लिए यूज करवा सकते हैं। नो एक्सटेंशंस, आप ये सब पॉइंट नोट कर लीजिए, वैसे मैं यहाँ लिखती भी जाती हूँ। नो एक्सटेंशंस होता है ना, छोटी पेंसिल हो गई तो उसके पीछे एक वो पेन का वो कैप लगा के उसको बड़ा करके लिख लेते हैं, वो भी नहीं करना चाहिए, उससे भी राइटिंग खराब होती है। ठीक है, हमेशा ये प्लास्टिक की पेंसिल्स यूज नहीं करना चाहिए, ऑलवेज यूज वुडन पेंसिल्स। क्योंकि क्या है, देखिए मैं बताती हूँ, वुडन पेंसिल यूज करने से आपका जो अर्थ एलिमेंट है, ओके, जो एयर एलिमेंट है, वो सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं रिलेटेड टू वुड, वो सारे एक्टिव हो जाते हैं, ओके, थॉट प्रोसेस आपका चेंज हो जाता है। ये मैं थोड़ा सा डिफरेंटली आपसे बात कर रही हूँ, इसमें ऐसा कहीं पर भी कहीं आपको किसी बुक में ही लिखा हुआ नहीं मिलेगा। बट आप लकड़ी को पकड़ के काम कर रहे हो, उसके साथ उसका लेड है, उसका जो एक तरीका होता है लिखने का और उसका जो एनर्जी फॉर्मेशन होता है वो अलग होता है, ओके, ऑलवेज यूज अ वुडन पेंसिल इंस्टेड ऑफ एनी प्लास्टिक पेंसिल्स, जो आजकल बहुत नए नए तरीके की आ जाती है ना, एंड बच्चे बहुत फैंसी करते हैं उनको, तो थोड़ा सा दूर रखें। दूसरा, एक हमारी आदत होती है, वो एक मस्टर्ड कलर की एक पेंसिल आती है जिसमें पीछे रेड कलर का इरेजर लगा होता है, वो बहुत यूज करते हैं, वो भी नहीं करनी चाहिए। बिकॉज क्या है, बच्चे हैं ऑब्वियसली, वो जनरली क्या होता है, पेंसिल का एंड होता है ना, वो मुंह में ही जाता है, वो पेट में ही जाएगा और कहीं यूज नहीं होता, वो बहुत कम यूज होता है, क्योंकि अलग अलग फैंसी इरेजर्स होते हैं, वो यूज ज्यादा होते हैं। ये कुछ थंब पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, हम जैसे बच्चे लगा लेते हैं ना, कुछ कुछ पेंसिल्स के पीछे भी लगा लेते हैं, डिजाइनर कुछ लगा लिया, कुछ फिगर्स लगा ली, राइट, ऐसा होता है ना, वो भी अवॉइड करना चाहिए। बच्चों को यही कहना चाहिए कि जब आप काम कर रहे हो और जब आप लिख रहे हो, यूज सिंपल पेंसिल, थॉट प्रोसेस यूज करो, डोंट यूज फैंसी थिंग्स। उसका रीजन है, पहली बात तो ये कि उसकी पेंसिल हैवी हो जाती है पीछे से, ओके, तो प्रेशर जो होता है वो यहां पर आता है, दिस एरिया, ये अंगूठे और फोर फिंगर के बीच में। जब भी कोई भी आप हैवी पेन या पेंसिल यूज करते हो, पकड़ते हो, सबसे पहला प्रेशर यहां आता है, उसके बाद आपके फोर आर्म्स पे आता है, ठीक है। तो अवॉइड एक्स्ट्रा जो भी है सब अवॉइड कीजिए। लंबी लंबी पेंसिल्स होती है ना आजकल, मैंने देखा एक एक दो दो फीट की भी बच्चे यूज करते हैं, वो भी नहीं करना। तो ये कुछ चीजें हैं जो पेंसिल्स के बारे में है, ठीक है। इसमें अगर आप लोगों को कुछ भी डिस्क्रिप्शन है या कुछ सॉरी डिस्करेक्शन है तो इसके ऊपर करें, फिर हम पेन के ऊपर आएंगे। एनीथिंग यू वॉन्ट टू आस्क, या कुछ ऐसा कोई भी पॉइंट है जो क्लियर नहीं है इसपे? आई होप सो सबके घरों में पेंसिल्स थोड़ी तरीके की आएंगी, राइट, है ना, क्योंकि ये आप बच्चों के फॉर्मेशंस के लिए कर रहे हो ना, ये इतनी चीजें जो पेंसिल्स का स्टार्ट करते हैं हम, बुक्स का करते हैं, राइट, तो थोड़ा सा इन चीजों पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। अब आती है पेन की बात, राइटिंग पेंसिल से लाइट करें या डार्क करें? देखिए मीडियम आती है ना, मीडियम पेंसिल्स आती हैं जी मैम, जो बहुत लाइट नहीं होती है। लाइट पेंसिल्स हमसे ड्रॉइंग और शेडिंग के लिए यूज होती है, टू बी या एचबी। मैं बताती हूँ, ये देखिए, ये वाली जो है ना मेरी, ये जो ट्रायंगल पेंसिल मैंने आपको बताई थी जी, है ना, ये फेबर कासल की आती है, ये एक्चुअली उसके लिए होती है, ड्रॉइंग पेंटिंग शेडिंग जो करते हैं, टू बी और एचबी करते हैं। हाँ जी, जैसे मैंने अपना इंटीरियर का जब कोर्स किया था तो मुझे इस टाइप का पूरा एक बॉक्स लेना पड़ा था, बिकॉज अलग अलग पेंसिल जो नंबर वाइज होती हैं, एक नंबर दो नंबर से लेकर आठ नंबर तक की, तो वो उसी हिसाब से डार्क लाइट होती हैं, तो शेडिंग मोटी होती जाती है।
ओके ठीक है। अच्छा एक चीज और है पेंसिल्स के बारे में, हम लोगों को भी आदत होती है और हमसे ही बच्चे सीखते हैं, बहुत ज्यादा शार्प करते हैं ना, एकदम पॉइंटेड पेंसिल कभी भी बच्चे को यूज नहीं करने। ओके उसमें भी वही चीज है, सेम चीज जो पेन पेंसिल का इश्यू है ना, पेंसिल को ज्यादा शार्प करते हैं उसका वो टूट जल्दी जाता है इसलिए, या उसका कोई और दूसरा रीजन है? वो टूट भी जल्दी जाता है और फिर वही है प्रॉब्लम, वही है कि आप हल्के से लिखोगे। जी 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 है ना बच्चे अगर, अच्छा एक चीज और है, एक पेरेंट्स में ना एक बहुत गंदी आदत और होती है कि भाई अगर बच्चे ने कुछ गलत लिख दिया ना तो इमिजिएटली खुद इरेजर लेके उसको रब करके बोलेंगे दोबारा लिख। आप पढ़ाने बैठते हो ये करते हो, प्लीज अवॉइड दिस हैपन, प्लीज अवॉइड दिस हैपन। मैं वैसे तो बच्चे को उसका रीजन है, देखिए बच्चे ने कुछ लिखा, इवन हमारे साथ भी होता है ये, हमें भी नहीं अच्छा लगता है ना काटा पीटी करना, कुछ गलत लिख दिया वापस उसको रेस करके लिखेंगे, है ना। आप जब भी कोई चीज लिखते हो ओके, आपने कोई चीज लिख दी घोड़े गलत लिखी लेकिन आपने उसको इरेज कर दिया और फिर दोबारा लिखा तो आपको आपकी मिस्टेक कभी पता नहीं चलेगी। हो सकता है उस वक्त आपने ठीक कर दिया लेकिन हो सकता है वही सेम चीज आप बाद में दोबारा कर रहे हो जब, तो सेम मिस्टेक आप कर सकते हो, बहुत चांसेस है। आप उसको एक कार्ड दो, एक सिंपल एक लाइन मार दो कि भैया ये पॉइंट कटा है मतलब ये गलत है, या उसके ऊपर हल्का सा एक क्रॉस मार दो उसके पास में सही वर्ड। ओके तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें खुद भी प्रैक्टिस करनी चाहिए, और क्योंकि मैं अपने पास इरेजर नहीं रखती कभी भी, पेन हो पेंसिल हो कुछ भी हो, ये मैंने अपनी हैबिट में डाला है, पहले नहीं था, पहले तो आई वाज यूज्ड टू इरेज इट, पूरा पेपर तक निकल जाए उतना इरेज कर देते थे, इम्प्रेशन भी नहीं आना चाहिए, बट दैट इज नॉट अ गुड हैबिट। तो बच्चे धीरे धीरे अपने आप ही सही लिखना शुरू कर देंगे। ठीक है चलिए अब हम आते हैं पेन, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोग प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके हाथ के लिए, आपके हाथ के हिसाब से सही पेन कौन सा है। देखिए सबके हाथ अलग होते हैं तो हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि जैसे अभी नटराज का हमने पेन देखा या हम कोई दूसरे पेन्स यूज करते हैं, सेलो पेन्स है, जेल पेन्स है, वॉट एवर, वो तो बनते तो एक ही शेप में है सब। हम क्या करते हैं, स्मूथ राइटिंग है, जेल से बहुत अच्छी राइटिंग आती है, फटाफट लिख के खत्म करते हैं, तो हम लोग जेल पेन ले लेते हैं, ये नहीं सोचते कि क्या वो सच में हमारे हाथ के लिए अप्रोप्रिएट है, क्या उसकी जो शेप है उस जेल पेन की वो सही है, क्या जो बॉल पेन हमने हाथ में पकड़ा है वो हमारे हाथ पे ज्यादा प्रेशर तो नहीं दे रहा है, हमारा हाथ तो नहीं दुख रहा है, ये सब हम सोचते हैं कभी नहीं। अच्छा लग रहा है, अच्छा चल रहा है, वो पेन वाले के यहाँ गए, स्टेशनरी वाले के यहाँ, उसको बोला निकाल के दे, वो एक और एक पोथी सी दे देता है, उस पर आप स्क्रिबल करते हो कि हाँ भैया अच्छा चल रहा है दे दे, यही करते हैं, करते हैं ऐसा सभी, सभी करते हैं है ना। yes, लेकिन yes. क्या आपको पता है कि आपके नेल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके हाथ को कौन सा पेन सूट करेगा। इंटरेस्टिंग राइट। यस तो चलिए सीखते हैं कैसे। ओके सब लोग अपना लेफ्ट हैंड लीजिए, फिंगर एक्चुअली लेफ्ट फिंगर, अभी राइट हैंड जो है जो आपका डोमिनेटिंग हैंड है जिससे आप लिखते हो वो वाला ऐसे रहेगा और जो आप नहीं लिखते हो वो ऐसे रहेगा। ठीक है अब आपके जो नेल्स हैं उनको आप इसके ऊपर रखिए एंड जस्ट होल्ड इट। नेल्स रखने हैं, देखिए दिख रहा है मेरा हाथ सबको, ये इस तरह से, ये देखिए ऐसे रखिए, मैं एक्चुअली इसको देख रही हूँ कि मैं दिखा पा रही हूँ या नहीं। ओके ये आपने ऐसे रखा, नाउ चेक द शेप ऑफ योर नेल, अपने अपने देखिए, अपने अपने देखिए, ऐसे कर लीजिए, अपनी तरफ कर लीजिए, ऐसे की जगह अंदर बाहर की तरफ कर लीजिए, एंड यू विल कम टू नो द शेप ऑफ योर नेल। मैं यहाँ पर व्हाइट बोर्ड यूज कर रही हूँ आप लोगों को बताने के लिए, नॉट अगेन, मैं स्क्रीन
स्टॉप कर रही हूँ शेयर करना सो दैट हम अच्छे से इसको समझ पाए. ठीक है चलो. ओके सो सबने देखा ये है. मैं आप लोगों के लिए इस तरह से रख रही हूँ, आप लोग अपना देखेंगे तो अपनी तरफ नेल करके देखिएगा. ओके नाउ चेक योर नेल्स. ठीक है चलिए अपने नेल्स को समझते हैं, फिर उसके बाद हम समझेंगे कि पेन कौन सा होना चाहिए नेल्स के हिसाब से. तो स्क्वायर जो होते हैं दे आर एग्जैक्टली स्क्वायर. आप देखेंगे अपने अपने नेल्स चेक करेंगे, जब आपने ऐसे करके देखा है तो आप देखोगे कि जनरली कुछ नेल्स आपके एकदम स्क्वायर होते हैं और कुछ एकदम थोड़े से लंबे होते हैं, या सबके होते हैं तो एकदम स्क्वायर होते हैं, यू नो चौकोर नेल जिनको बोलते हैं. किसके हैं यहाँ पर? नो no? फिर एक होता है रेक्टेंगल. रेक्टेंगल मतलब ये जो स्क्वायर होता है ये पार्ट थोड़ा सा नीचे खिंचा हुआ होता है, थोड़े से लंबे नेल. मेरा रेक्टेंगल तो कोई भी नहीं है. हाँ सिलेंड्रिकल आपको दिख जाएगा मेरा. ये देखो लास्ट वाला सिलेंड्रिकल रहता है. ये सिलेंड्रिकल है, ये सिलेंड्रिकल है, थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ. अगर ऐसे साइड से देखोगे ना नेल को, ध्यान से देखोगे जैसे बाहर को नहीं होता ऐसे राउंड हो गया. इसमें आपको स्क्वायर में पता चलता है, ये जो है ना सुभाष जी आपको पता चलता है कि आपका स्क्वायर है रेक्टेंगल है, क्योंकि तीन सब आ जाता है ना आपके सामने आ जाते हैं नेल्स ऐसे. तो स्क्वायर सारे फिंगर्स के नेल्स अलग अलग हैं. हाँ बट मेन जो होता है जो आपके ग्रिप के नेल होते हैं ना अंगूठा और ये फोर फिंगर, इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए क्योंकि ग्रिप यहीं से आती है. ये तीन जो है ना ये इम्पोर्टेंट होते हैं. ठीक है अब आप लोग बताइए किसका कौन सा है. मेरा थंब का स्क्वायर है एंड फर्स्ट फिंगर का तो रेक्टेंगल लग रहा है. ओके हाँ और मिडिल फिंगर भी शायद रेक्टेंगल ही है. ये भी रेक्टेंगल में है ना. ये स्क्वायर में आएगा कि ये भी रेक्टेंगल में आएगा? नहीं ये आपका सिलेंड्रिकल है. देखिए उभरा हुआ है, उसको ऐसे टच कीजिए उभरा हुआ है. एंड ये भी सिलेंड्रिकल चपटा नहीं है. हाँ ये भी सिलेंड्रिकल है. बाकी भी सब चेक कर लीजिए एक बार. ये तो स्क्वायर ही है ना? नहीं ये स्क्वायर नहीं है आपका, ये रेक्टेंगल है. देखो ध्यान से. ओके स्क्वायर तो मेरा एक भी नहीं है, रेक्टेंगल ही है. रेक्टेंगल और सिलेंड्रिकल ही है. राइट कॉम्बिनेशन सिंगल और सिलेंड्रिकल. हाँ जी रेक्टेंगल एंड सिलेंड्रिकल आपका भी वैसे ही है. सुभाष जी आपका अब म्यूटेड हो. हाँ नमिता जी बताएं. नमिता जी बताइए कौन सा है आपको क्या लग रहा है? ये स्क्वायर लग रहा है. फोर फिंगर ये रेक्टेंगल है. ये रेक्टेंगल है. हाँ ये भी रेक्टेंगल है. रेक्टेंगल है तो आपका रेक्टेंगल एंड स्क्वायर का कॉम्बी है. ठीक है ना. ठीक है ना. अभी देखिए मेरे जो है मेरे सिर्फ ये दो उंगलियां छोड़ के बाकी ये तीनों स्क्वायर में आते हैं. ठीक है तो जिनके स्क्वायर नेल्स होते हैं उनको पेन कौन सा यूज करना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट. उनको पेन यूज करना चाहिए
जो थिक होता है. एक्चुअली मेरे पास कितने हैं, एक चलिए इसमें पता चलेगा. दिख रहा है आपको? तो स्क्वायर पेन, जो स्क्वायर नेल्स वाले हैं उनको ये थिक पेन चाहिए, आगे से थोड़ा मोटा होता है. ओके, ये नोट कर लीजिए, वैसे उसमें आ जाएगा पीडीएफ में. जो रेक्टेंगल वाले हैं उनको ये मीडियम चाहिए. देखिए दोनों में डिफरेंस है ना. फिर एक होता है एकदम थिन, जिनके सिलेंड्रिकल नेल्स हैं दे शुड यूज थिन पेन. ये देखिए पतला, एकदम एकदम पतला है. हाँ ये वाला, ये नम्रता जी जो व्हाइट वाला पेन रेनॉल्ड्स का दिखा रहे हो ना आप, मेरे लिए ये वाला ठीक है ना. अब क्या होता है, वो रीजन है उसके पीछे. देखिए जब आप लिखते हो तो जो आपके स्क्वायर, ये जो नेल्स होते हैं ना, इनकी जो बड्स होती है पीछे तक जाती है, बेड जिसको हम कहते हैं ना, नेल बेड्स, ठीक है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है यहाँ ग्रिप आपको कैसी चाहिए. तो ये थंब रूल्स हैं कुछ, ये बहुत इसके ऊपर रिसर्चेस हुई हैं और तब जाके ये चीजें निकल के आई है कि जिनके स्क्वायर नेल्स हैं उनको थिक पेन यूज करना चाहिए, उससे उनकी राइटिंग अच्छी आती है. जिनका रेक्टेंगल है नेल्स वो मीडियम साइज पेन यूज करें, और जिनके सिलेंड्रिकल है वो थिन पेन यूज करें. ओके मैम, जो निब वाला पेन यूज करते हैं वो कौन सा? इंक निब वाला पेन. निब पे भी आ रही हूँ मैं. भारत में मैडम दोनों हैं, स्क्वायर भी हैं सिलेंड्रिकल भी हैं, तो सिलेंड्रिकल भी हैं और रेक्टेंगल भी है. जैसे मेरे दो दो टाइप्स हैं, सिलेंड्रिकल भी हैं और रेक्टेंगल भी हैं. हाँ जी, वो ये दो प्लेट हो गए, तो इसके लिए आप पेन पकड़ के देखिए तो आपको दो, आपके उंगली के ऊपर आपको कंफर्टेबल क्या है लिखने में. दोनों तरीके के पेन पकड़ के देखिए. ये मैं इसलिए बता रही हूँ, जैसे आप स्टेशनरी शॉप पे जाओगे ना, अब आपको पता है कि आपके ये ट्रेड्स है, तो आप वो वाले पेन निकलवाओ उससे, उससे लिख के देते एंड यू विल कम टू नो. मीडियम वाला मुझे ज्यादा इजी लग रहा है. मीडियम मीडियम. हाँ जी देखिए, दूसरा है वो अच्छा नहीं, फीलिंग नहीं अच्छी आ रही, मजा नहीं आ रहा होगा पकड़ने में, ऐसा लग रहा है ही नहीं. हाँ, तो नहीं, ये मीडियम इरिटेटेड फील कर रहा हूं. हाँ बिल्कुल. तो देखिए हम जब पकड़ते हैं ना पेन, उसी से हमें पता चल जाता है कि भाई ये हमारे हाथ को सूट करेगा नहीं करेगा, हम लिख सकते हैं नहीं लिख सकते. और एक चीज बहुत इम्पोर्टेंट, बच्चा एग्जाम देने जा रहा है, उसको कभी भी नया पेन नहीं देने का, उसको वही पेन देने का जिससे वो लिख रहा है इतने दिनों से. क्यों उसको जबरदस्ती टॉर्चर करना कि वो एडजस्ट करे पहले तो पेपर जाते वक्त, कि भाई एग्जाम में पेपर ओपन करना है कॉपी, और सबसे पहले पेन एडजस्ट करो, अपना हाथ एडजस्ट करो लिखने के लिए. ऐसे काम नहीं करना, ठीक है ना. तो एक दिन पहले उसको दे दिया, उसको प्रैक्टिस करा ली, और फिर भैया लेके जाओ चले. हाँ पेंसिल तो बहुत इंपॉर्टेंट है. अच्छा और एक चीज और, लोग बच्चे ये बहुत पूछते हैं, बहुत एकदम ऐसे बारीक, ये जो होता है ना ये वाला, इसमें दिख रहा है ये इतना, तो पेंसिल हमने इरेवो करा हुआ है शार्पन, उसके बाद ऐसे लिखते हैं, ये नहीं होना चाहिए, बहुत पीछे से नहीं पकड़ना. इट्स इट शुड ऑलवेज बी, ये जो एज होती है ना इसकी हमेशा यहाँ आनी चाहिए पेंसिल. सेकेंडली एक चीज और है, ये जो है ये पार्ट जो होता है इसके ऊपर रेस्ट करनी चाहिए पेंसिल को. पेंसिल कभी भी ऐसी नहीं होनी चाहिए, ये भी ग्रिप खराब करती है. इसलिए अगर छोटी हो जाती है ना, तो उसको ड्रॉइंग या शेडिंग और इसके लिए रख लो, जस्ट डिस्कार्ड इट, एक्सटेंशंस नहीं लगाना. हमेशा पेंसिल इस उसकी होनी चाहिए कि आप जब लिख रहे हो ना, तो प्रेशर आपका यहाँ आ रहा है, यहाँ नहीं आना चाहिए. इसलिए इसको भारी मत करें कभी भी, इस पार्ट को भारी नहीं करना चाहिए. हम पेन भी होते ना, जो हम कवर लेते हैं, जो कैप्स होती हैं, वो पीछे लगा ली कि खो नहीं जाए. मेन हमारा वही होता है ना इंटेंशन, कि भाई हमारी इसकी पेन की कैप नहीं खो जाए, तो पीछे ही लगा लेते हैं. उसका कुछ और तरीका ढूंढ लो आप, पेपर के ऊपर लगा लो एज अ यू नो क्लिप, या फिर उस दूसरे हाथ में पकड़ के लिख लो, कुछ भी करो, बट अवॉइड कीजिए यहाँ पर इरेजर होना, कैप्स होना, क्योंकि इससे ना आप अपने हाथ को टॉर्चर कर रहे हो और कुछ नहीं. ठीक है, तो ये हमारी पेन और पेंसिल की स्टोरीज थी. जो
निब वाले पेन ही बताना, मैं तो इंक और निब वाला पेन यूज करता हूँ बहुत लंबे टाइम से। देखिए अगर आप उसको अच्छे से हैंडल कर सकते हो, बहुत ज्यादा उसकी इंक पेपर पे आनी नहीं चाहिए, लीकेज नहीं होना चाहिए पेन। इंक पेन की सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो होती है ना, जो हम नहीं मतलब ध्यान देते, इंक पेन बहुत अच्छा लगता है। वो याद है ना वो चाइनीज पेन आते थे अलग अलग बड़े सुंदर सुंदर से, तो वो यूज हमने भी बहुत करे हैं, बट हमेशा याद रखना है उससे आपके हाथ गंदे नहीं होने चाहिए। हाथ गंदे नहीं होते, मैं वो बिल्कुल मतलब थोड़ा सा अच्छे उसमें इंक ड्रॉप नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें एक वो रहता है ब्लॉटिंग का प्रॉब्लम रहता है उनमें। देन जो पायलट पेन और जेल पेन और वॉल पेन, इसमें कुछ डिफरेंस होता है? देखिए इंक में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, जो आपको अच्छी तरह से फ्लो दे दैट इज इम्पोर्टेंट। मेन होता है ग्रिप, जो हम अवॉइड करते हैं। हम सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ इस पे देते हैं कि भैया जब पेपर पे आ रहा है ना पेन का वो निशान जो इम्प्रेशन आ रहा है वो बहुत स्मूथ होना चाहिए। लेकिन हम अभी पहले से टीचर तो टीचर होल्डर से या उससे इंक वाले पेन से यूज करते, बॉल पेन मना ही करते थे टीचर की बॉल पेन यूज नहीं करना, लेकिन अब समय ऐसा बदला कि बॉल पेन ही यूज करें, इंक पेन को यूज ही नहीं कर रहा। बॉल पेन यूज करें, बॉल पेन सबसे बेस्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इंक पेन देखिए आपको कैलीग्राफी करनी है या आपकी राइटिंग बहुत सुंदर है ठीक है ना, तो वो क्रिएटिविटी के लिए वो ज्यादा यूज होते हैं इंक पेन। उसको सिग्नेचर पे यूज होता है, मैं तो तू इतना लिखने का काम होता है ना, सिग्नेचर पे इस्तेमाल होता है पेन मेरा। और देखिए पेन सस्ते की बात नहीं होती है, बट पेन ऐसा होना चाहिए, भले ही सस्ता हो बट अच्छा होना चाहिए, इट शुड नॉट बी। और आपने देखा होगा जो थोड़े इंटेलेक्ट पीपल होते हैं ना, वो पेन बहुत अच्छा खरीदते हैं सिग्नेचर्स करने के लिए, कभी नोटिस किया है? जी मैम, यस। वो उनका माइंडसेट है। अभी देखिए जो थोड़े मतलब जैसे एक अलग लेवल के लोग होते हैं जिनको सिग्नेचर्स बहुत करने पड़ते हैं ऑन डॉक्यूमेंट्स, जो गवर्नमेंट की तो मैं खैर नहीं बोलूंगी, बट हाँ अपना बिजनेस है और उसमें है तो दे हैव सम स्टाइल, तो वो हमेशा महंगा पेन यूज करेंगे। और दैट इज आल्सो अ स्टाइल स्टेटमेंट, पेन यूज होता डिफरेंट पेन करते हैं वो लोग, हल्का सा थिक पेन यूज करते हैं वो, एकदम ऐसे पतले पतले पेन कभी यूज नहीं करते। नोटिस किया है ये? हाँ जी मैम, है ना, तो दे हैव दैट साइकोलॉजी। कॉमन यूज नहीं करते हम, कॉमन तो सब यूज कर रहे हैं, तो अलग हट के होना चाहिए, तो अलग करना है। मैं अभी तो उन्होंने अपनी एक जगह बनाई है ना। जी मैम, मेरा कोई अगर पेन ले लेता उसे यूज ही नहीं होता, क्योंकि पेन ही इंक यूज हो रहा है, तो सब अरे ये आज भी इस जमाने में भी यूज करता है, मैंने कहा हाँ मैं पसंद करता हूँ इसे, तो उसे कोई लिख ही नहीं पाता, वो नहीं कहता पकड़ो अपना वापिस। बिल्कुल। और दूसरी चीज, अवॉइड बोरिंग पेन पेंसिल्स, बच्चों को तो स्पेशली बोलना चाहिए, क्योंकि उनकी ग्रिप अलग होती है, वो उसके ऊपर हाथ का इम्प्रेशन भी होता है, तो हर चीज काउंट करती है इन चीजों में, तो बच्चों को इन चीजों को थोड़ा सा अभी से ये सब डाल दें, छोटे हैं जिनके भी बच्चे, तो इट्स ऑलवेज गुड, है ना। और हम लोग भी एटलीस्ट अपने पेन्स तो अब अच्छे यूज चूज कर सकते हैं राइट, लिखने के लिए ठीक है। तो चलिए ये एक टॉपिक पेन और पेंसिल्स का, आई होप सो मजेदार था, समथिंग डिफरेंट। जी जी चलिए।